हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ दीप्ति। आज मैं आपके लिए मटर और मखाने से बनने वाले बहुत ही नए तरीके के हरियाले कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आप भी घर में बैठे हो रहे हैं बोर, तो इस समय को नहीं होने दें बिल्कुल भी बर्बाद और बनाए अपने घर पे ये नए तरीके के मटर और मखाने के हरियाले कोफ्ते की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाले कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर ली है, ये 1 कप फ्रेश मटर है और साथ ही हमें 1 कप ही मखाने चाहिए होंगे। तो दोनों चीज़ों को आप किसी भी एक बाउल या कप से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हरी मटर को बॉयल करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो पानी में काफ़ी अच्छे से बॉयल आने लगा है। अब मैं इसमें अपनी हरी मटर डाल देती हूँ। तो इस स्टेप को मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करें तो फिर आपको उन्हें बॉयल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस गर्म पानी में हम अपनी हरी मटर को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। और अब मैंने यहाँ पर एक खाली पैन ले लिया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम अपने मखाने को ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें इन्हें लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना होगा। इससे हमारे जो मखाने हैं वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे और हमारे जो मटर और मखाने से बनने वाले हरियाले कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मखानों को रोस्ट होते हुए और हमारे जो मखाने हैं काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इस तरीके से मखाने को तोड़ के देख लेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से ये क्रश हो रहा है। तो हम मखाने को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मखाने जो कि हमने रोस्ट करके तैयार किए थे उन्हें मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम ले लेंगे मिक्सी का जार, क्योंकि हमने जो मखाने रोस्ट किए हैं उन्हें हमें पीस के तैयार करना होगा। पर हम सारे मखाने पीस के तैयार नहीं करेंगे, लगभग ये देखिए इतने मखाने हम साबित ही रखेंगे और बाकी मखाने मैंने पॉट में डाल लिए हैं। तो इन्हें मैं एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मखाने पीस के तैयार कर लिए हैं और बाकी ये हैं साबित मखाने। तो चलिए हम अपने हरियाले कोफ्ते की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़े से खड़े मसाले चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते और उसके साथ हम एक बड़ी इलायची ले लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा ले लिया है और यहाँ पे 4 हरी इलायची हैं। 2 छोटे टुकड़े हम दालचीनी के ले लेंगे और 2 पीस लौंग के और उसके साथ ही हमें 1 पीस ये चक्रफूल का चाहिए होगा। तो अब हम ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तो जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाता है हम इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर देते हैं और उसके साथ ही हरी इलायची को मैंने कूट लिया है, उसे भी हम पैन में ऐड कर देंगे और सारे खड़े मसाले को लगभग 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तो आज जो हम मटर मखाने की सब्जी बना रहे हैं उसके लिए हम शाही ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो बादाम हैं उन्हें मैंने आधा घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। लगभग 10 से 12 बादाम के पीस हैं तो इससे उनका छिलका हट गया है। और 10 से 12 ही मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच मगज यानी कि तरबूज के बीज हैं। तो सारी चीज़ों को हम पैन में ऐड कर लेंगे और मिक्स कर देंगे और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को भी हम इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम प्याज को भी पैन में डाल देते हैं और सारी चीज़ों के साथ हम प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर तक आने तक नहीं भूनना है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, इसे मैंने लंबा कट कर लिया है। 1 इंच हम अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं तो इनको भी हम पैन में ही डाल देते हैं और प्याज के साथ लगातार चलाते हुए हम भून लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस प्याज को हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है जिससे ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाए और लगभग हल्का सा ये पिंक हो जाएगा। तो तब तक मैं ले लेती हूँ लगभग 3 बड़े साइज़ के टमाटर और इन्हें मैंने रफली काट के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, प्याज हमारा लगभग तैयार हो गया है, मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है हम इसमें अपने टमाटर भी ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ें हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और उसके साथ
हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने से टमाटर जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और हमारी जो ग्रेवी है वो जल्दी से तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो टमाटर को हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो चलिए खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं अब ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से पिसे हुए मसाले ऐड कर लेते हैं। तो लगभग आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और उसके साथ ही मैं सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आप ज़रूर डालिएगा। लगभग 1 छोटा चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे, इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो सारे मसाले हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसे कवर करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो ग्रेवी हमारी पूरी तरीके से हो चुकी है ठंडी। तो पीसने से पहले हम अपनी ग्रेवी में से वो खड़े मसाले निकाल लेंगे जो कि हमने इसमें ऐड किए थे, वरना हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी और उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो सकता है। मैंने ले लिया है मिक्सी का पॉट और हम इसमें अपनी ग्रेवी को डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी ले लिया है, तो 1/2 कप पानी के साथ मैं ग्रेवी का एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी को पीस के तैयार कर लिया है और ग्रेवी हमारी एकदम फाइन पीस के तैयार हो गई है। अब हम अपने हरियाली कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मटर को पानी में से निकाल लिया है और अब हमें अपनी मटर को हल्का दरदरा पीस के तैयार करना होगा। तो ले लिया है मैंने मिक्सी का जार और डाल देते हैं हम इसमें अपने हरी मटर। वैसे आपकी मटर अच्छे से पीस सकती है, पर अगर नहीं पीसे तो आप यहाँ पे लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और मटर को भी हमें एकदम बारीक पीस के तैयार भी नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने मटर को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है और पिसी हुई मटर को हम निकाल देते हैं बाउल में। और उसके साथ ही मैं इसमें 1 छोटी हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे ये पिसे हुए मखाने हैं, तो इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच पिसे हुए मखाने ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब पनीर लिया है, पनीर को हम ग्रेट करके डाल लेंगे। पनीर को मैंने ग्रेट कर दिया है। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हम अपने हरियाली कोफ्ता में पाव भाजी मसाला डालेंगे, इससे हमारे हरियाली कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करती हूँ और अगर बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो फिर हम बाद में और भी थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन और ऐड कर देती हूँ। तो हरियाली कोफ्ते का मिक्सर बनके तैयार है, तो चलिए अब हम कोफ्ते बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्सर ले लेंगे और छोटी छोटी हम बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेंगे। मैंने सारे हरियाली कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें एक एक करके अपने सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और हमें अपने कोफ्ते को लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आ जाने तक हमें इनको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए इतना ही हमें अपने कोफ्ते को फ्राई करना है। और हम इस तरीके से उनके ऊपर ऑयल डालते रहेंगे, इससे ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और हमें बीच बीच में इनको बार बार छेड़ना नहीं है। और लगभग 1 मिनट के लिए हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। और अब मैंने गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई कर दिया है। और ये देखिए लगभग 1 मिनट हो गया है, तो अब हम अपने कोफ्ते को पलट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो कोफ्ते हैं उनको पलट लिया है और अब देखिए लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। तो हम अपने सारे कोफ्ते बाहर निकाल लेते हैं। हरियाली कोफ्ते बनाने के लिए अब मैंने कढ़ाई में लगभग
दो बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हम इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। उसके बाद हम इसमें अपनी पिसी हुई ग्रेवी ऐड कर देंगे। और ग्रेवी ऐड करने के बाद हमें अपनी ग्रेवी को लगातार चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना होगा। आप इसे अच्छे से पकाइएगा, तभी आपकी हरियाली कोफ्ते की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो हम इसे एकदम रिच और क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो आप भी इस सब्जी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब हमारी जो ग्रेवी है ये पक के अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने उसी बाउल में ही लगभग 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। पानी आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें मावा ऐड कर देती हूँ लगभग 50 ग्राम के करीब, और इसे हम अपनी ग्रेवी में ग्रेट करके डाल देंगे। और उसके बाद ही जो पिसे हुए मखाने रह गए थे उन्हें भी हम ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो थोड़े से मखाने साबित रह गए थे उसे भी हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। और उसके बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ, पर नमक पहले ही हमारी ग्रेवी में है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मावा डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पका लिया है। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देती हूँ और उसके बाद 2 बड़े चम्मच मलाई डाल देती हूँ। तो ये देखिए हरियाली कोफ्ते की ग्रेवी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो अब हम अपनी ग्रेवी में अपने बने हुए कोफ्ते भी ऐड कर देते हैं। तो एक एक करते हुए हम अपने सारे कोफ्ते ग्रेवी में डाल देंगे और उसके बाद लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कोफ्ते के संग हम अपनी हरियाली कोफ्ते की सब्जी को पका लेंगे। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और कोफ्ते की सब्जी को पकते हुए अब हमारे मटर मखाने से बनने वाले हरियाली कोफ्ते की सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए मटर मखाने से बनने वाले कोफ्ते बनके तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।